अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में शेयर करूंगी हेयर से रिलेटेड एक क्रीम का रिव्यू। ऐसे लोगों के लिए ये क्रीम बहुत फ़ायदेमंद है, या उनके लिए जिनके बाल बहुत ख़राब हो गए हैं। मतलब कि देखें, अक्सर हम रिबॉन्डिंग कैरेटन या इस तरह के ट्रीटमेंट जब बालों में लेते हैं, बालों के लिए सैलून वगैरह में जाके, वो थोड़े टाइम तक तो उनमें बड़ी अच्छी शाइन रहती है और बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं, सिल्की स्मूथ। लेकिन जैसे जैसे हम बालों को फिर वॉश करते जाते हैं, वो जो हमने प्रोसीजर करवाया हुआ होता है, उसकी वजह से हमारे बाल रफ होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे बालों को केयर की भी ज़रूरत होती है। आप कुछ भी करवाएं, सैलून से ट्रीटमेंट करवाएं, अच्छी बात है अगर आपने अपने बालों में रिबॉन्डिंग करवाई है या कैराटिन करवाया है, कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट लिया है। लेकिन इसके साथ साथ फिर बालों की केयर भी बहुत ज़रूरी है। आपको आफ्टर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, आपको अपने बालों का ख्याल भी रखना चाहिए। तो शैम्पू आप जो भी यूज़ कर रहे हैं अपने बालों से रिलेटेड, यूज़ करें जो आपके बालों को सूट करता हो। लेकिन शैम्पू अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद भी आपके बाल जो है वो रफ हैं, अमूमन शैम्पू के बाद बाल ख़राब भी हो जाते हैं कुछ शैम्पू जो आपको सूट नहीं करते, तो फिर हम कंडीशनर यूज़ करते हैं। लेकिन आज मैं कंडीशनर से भी एक बहुत अच्छी क्रीम का रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ी एक्सपेंसिव क्रीम है और शायद ये आपको हम यहाँ से ना मिले, यानी कि पाकिस्तान से ना मिले, लेकिन ऑनलाइन सर्च करने पर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। मिलेगी थोड़ी मुश्किल से, लेकिन आपको मिल जाएगी। आप बाहर से भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखें, बरकेले क्रीम है ये, हेयर क्रीम। अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखें, इसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं और ये इसके यूज़ का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। शैम्पू करने के बाद जब आपने अपने बालों में कंडीशनर यूज़ नहीं करना, क्योंकि कंडीशनर जो है वो अक्सर बालों को, मेरे ख्याल से जो मेरा ज़ाती तजुर्बा है, वो बालों को थोड़ा सा ख़राब करता है और नुकसान देता है बालों को। और जिनके बाल बहुत पतले होते हैं उनको तो कंडीशनर यूज़ ही नहीं करना चाहिए। और अगर आप यूज़ भी करते हैं तो उसको आप रूट्स में ना यूज़ करें, जड़ों में कंडीशनर लगाना बालों के लिए अच्छा नहीं है। तो देखें, आपने जब टॉवल ड्राई बालों को कर लिया, तो आपके हल्के गीले बालों में आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है और फिर उसके बाद आपने अपने बालों में कॉम करनी है या जो भी आप स्टाइलिंग करना चाहते हैं। ये एक तरह से आप इसको कंडीशनर भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्रीम जो है ना, ये बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं होने देती। आप इसके बाद आयरनिंग करें, आप कर्ल करें, आप वैसे अपने बालों को मतलब स्ट्रेट करके या वैसे आप छोड़ दें, तो ये बिल्कुल आपके बालों को ख़राब नहीं होने देगी। बाल आपके इससे स्ट्रेट और सीधे नजर आएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये आप जो है आपको बहुत अच्छी क्वान्टिटी से मिल जाती है और ये मेड इन इंग्लैंड है, ये यूके से आपको मतलब मंगवानी पड़ेगी। और मैंने को ऑनलाइन सर्च किया है तो ये ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो इसके बाद ये है कि आप देखें, इसके ये 475 ml की है और कोड वगैरह सब इसके ऊपर लिखा हुआ है, बरकेले क्रीम, हेयर क्रीम। आप इसको सर्च करेंगे तो इसकी सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, मैं इसका अंदर से टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ। देखें, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है ये लोकल क्रीम नहीं है, ये ब्रांडेड क्रीम है। लेकिन ये इतनी अच्छी क्रीम है कि आपके बालों में एक शाइन आ जाएगी और आपके बाल जो है वो रफ और उलझे हुए नहीं रहेंगे। क्योंकि अक्सर बाल जब हम वॉश करने के बाद, शैम्पू करने के बाद जब हम कंघी करने लगते हैं, तो हमारे बाल इतने उलझे हुए होते हैं कि उनको सुलझाते सुलझाते हमारे बहुत से बाल टूट जाते हैं। मैं आप खुद भी पर्सनली ये यूज़ करती हूँ और अपनी बेटी को भी यूज़ करवाती हूँ। आप छोटी बच्चियों को भी ये यूज़ करवा सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें क्रीम भी लेंथ में लगाएं, रूट्स में ना लगाएं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसी जो होती है, जैसे कंडीशनर हो गया, कोई मास्क या कुछ भी, उसको रूट्स में नहीं लगाया जाता। आप बालों की लेंथ में उसको अप्लाई करें और हल्के हाथों से कंघा करें, तो आपके बाल टूटेंगे नहीं। अच्छा देखिए, मैंने ये क्रीम जो है ना, ये ढक्कन खोल के तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने यूज़ की हुई है। ये आप यकीन करें, ये क्रीम जो है, ये इसकी टेक्सचर इतना सॉफ्ट है, ये देखिए, ये इस तरह की ये क्रीम है ये। और ये आप की एक जार आपका मेरे ख्याल से बहुत टाइम ये निकल जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में ये अप्लाई होती है और बहुत अच्छा बालों में इसका, इसकी वजह से टेक्सचर रहता है। अच्छा व्यूअर्स, आपकी आसानी के लिए मैंने इसे गूगल पे सर्च किया है और ये कुछ वेबसाइट्स मेरे सामने आई हैं, जैसे कि अमेजोन, और इससे के नीचे भी आपको नज़र आएंगी। तो ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहने वाले लोग जो हैं, वो किसी भी वेबसाइट से इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको वहाँ पर इसकी प्राइस भी पता चल जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक मेरे पास एक चीज़ थी, एक प्रोडक्ट थी, मैं अपने जो अपने बालों के लिए यूज़ कर रही थी, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। आपको शायद इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो और आपके बाल अगर ख़राब हो रहे हैं तो वो इसकी वजह से ठीक हो जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।
अच्छा तो वेयर्स देखे, मैंने गूगल पे सर्च किया है इस क्रीम को, तो ये काफ़ी जो है ना वेबसाइट्स आ गई हैं जैसे कि अमेज़ोन, और ये नीचे भी आप देखें आपको और भी नज़र आएंगी जहाँ से ये ऑनलाइन आप लोग किसी भी कंट्री में हैं तो ये मंगवा सकते हैं।